हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 8 इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू है ना, उसके पांचवें लेसन में, लास्ट में, हर लेसन के लास्ट में एक पोएम होती है ना बेटा, तो वो एक पोएम है द स्कूल बॉय है ना, एक स्कूल जाने वाला बच्चा है ना। बहुत ही भावनात्मक और कोमल सी एक पोएम है ये है ना, इसको पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर बच्चों के मन की बात कही गई है ना, किस तरह से जो बेटा स्कूल हैं हमारे है ना, उनको रोचक बनाया जा सकता है ना, बच्चे जैसे वहाँ क्या रह सकें, खुश रह सकें। तो एक बच्चा जो है वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है ना। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। इस पोएम के अंदर जो स्कूल बॉय है वो एक खुश बच्चा नहीं है, वो बच्चा खुश नहीं है। वॉट मेक हिम अनहैप्पी, किस चीज़ ने उसे दुखी बनाया है, अर्थात किस चीज़ की वजह से वो दुखी है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड, क्यों वह तुलना कर रहा है अपने आप की एक पक्षी से। दैट लिव इन ए केज, जो कि एक पिंजरे में रहता है। और ए प्लांट, या एक वो एक ऐसे पौधे से अपनी तुलना कर रहा है। दैट विदर्स, जो कि सूख गया है ना, जो कि सूख गया है। वेन इट शुड ब्लॉसम, जब उसे ब्लॉसम होना चाहिए, जब उस पर फूल खिलने चाहिए, तो बजाय फूल खिलने के वो पौधा फूल खिलने से पहले ही क्या हो गया है, सूख गया है, मुरझा गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वो बच्चा अपनी तुलना कर रहा है। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न वेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड हिज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, ओह वॉट स्वीट कंपनी। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, मुझे बहुत अच्छा लगता है उठना गर्मियों की सुबह है ना। अब तुम कहोगे कि गर्मियों की सुबह उठना मैं तो कैसे अच्छा लगता है, हमारे यहाँ तो उल्टा, हमको गर्मियों में तो सुबह ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा देर तक सोए है ना सुबह, क्योंकि रात को तो गर्मी पड़ती है, सुबह थोड़ा मौसम ठंडा होता है, उसी समय हमको नींद आती है। तो ये उल्टा इसमें क्यों हो रहा है, ये बच्चों इसलिए हो रहा है बेटा कि ये जो पोएम लिखी है ना, ये एक इंग्लिश राइटर हैं है ना, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। अब वहाँ पता है आपको यूरोप में क्या होता है बेटा, सर्दियों के दिनों में तो बर्फ जमी रहती है ज़्यादातर, बहुत ठंडा रहता है वहाँ है ना। तो ज़्यादातर स्कूल्स वगैरह जो है ना वो क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, या एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कम होती हैं है ना। और समर्स में जब मौसम क्या होता है, नॉर्मल होता है, तब ज़्यादातर एक्टिविटीज़ गर्मियों के मौसम में होती है। जबकि हमारे यहाँ गर्मियों में क्या हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। और वहाँ उन जो है ना ठंडे प्रदेश इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं वो, कि वहाँ पे बर्फ़ की वजह से सर्दियों की ऋतु में ना कोई पौधे वगैरह भी जो है ना वो मतलब उनके ऊपर फूल वगैरह भी नहीं खिल पाते, क्योंकि इतनी बर्फ़ पड़ती है। तो जब ऊपर से बर्फ़ पड़े तो पत्तियाँ भी झड़ जाती हैं उनकी बर्फ़ की वजह से, सब पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, नंगे हो जाते हैं है ना। तो वहाँ कब अच्छा लगता है उनको, बच्चों को, गर्मियों के मौसम में। ठीक है ना, तो यही बताया गया इसमें है ना। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, मुझे गर्मियों की सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता है। वेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब हर एक पेड़ के ऊपर पक्षी गीत गाते हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएं गीत गाती हैं, तब मुझे उन सर्दियों की सुबह में उठना बहुत अच्छा लगता है। द डिस्टेंट हंट्समैन, हंट्समैन यानी हंटर, शिकारी, डिस्टेंट यानी दूर है ना, विंड्स हिज हॉर्न, अपना हॉर्न बजाता है। हॉर्न बजाने से मतलब ये बेटा है ना, जैसे जो बेटा शिकारी होते हैं तो वो जंगलों में क्या करते हैं, शिकार करते हैं, तो बंदूक से करते हैं वो है ना। तो बंदूक की क्या आती है, आवाज़ आती है, ठीक है ना। या जैसे वो होती है गिलोल, होती है गिलोल है ना, तो उससे जब वो किसी पक्षी का या उसका शिकार करते हैं तो चटकारे की आवाज़ आती है ना, वैसे समझ लो आप है ना। तो उन गर्मियों के मौसम में दूर से किसी हंटर की है ना हॉर्न बजाने की आवाज़ आती है, या उसकी शिकार करने की आवाज़ आती है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी,
और स्काईलार्क ये एक पक्षी होता है, चिड़िया होती है ना, जो उड़ते समय गाती है, ये ची ची चू चू ऐसे करती है ना, उड़ते समय गीत गाती रहती है ये स्काईलार्क, है ना। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और जब स्काईलार्क मेरे साथ क्या गाती है, गीत गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, अरे वाह देखो ये कितनी प्यारी हमारी कंपनी है ना। तो बच्चा कह रहा है कि गर्मियों की सुबह मुझे उठना, जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस जल्दी सुबह गर्मियों में हर एक पेड़ की डाल पर पक्षी गीत गाते हैं, और दूर जंगल में से किसी शिकारी के शिकार करने की आवाज़ आती है, और उसी समय जो स्काई लार्क नाम के जो पक्षी चिड़िया होती हैं वो मेरे साथ आकाश में क्या होती हैं, गीत गाती हुई उड़ती हैं। देखो ना कितनी प्यारी कंपनी है हम सब की। बट लेकिन टू गो टू स्कूल, लेकिन स्कूल जाना इन ए समर मॉर्न, गर्मियों के मौसम में, बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर ए क्रूअल आई आउट वॉर्न, द लिटिल वन स्पेंड द डे इन शाइंग एंड डिसमे। अब वो बच्चा कह रहा है बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, लेकिन गर्मियों की मॉर्निंग में स्कूल जाना, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये इस सब के आनंद को छीन लेता है ना। जो बच्चा कह रहा है कि जब मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, चिड़िया जो है ना हर एक डाल पर चिड़िया गाती हैं, है ना, और हंटर की आवाज़ आती है, और जो स्काईलार्क पक्षी है वो गीत गाता है, तो मुझे तो उन चीज़ों को देखना अच्छा लगता है, लेकिन अब जब जब मुझे स्कूल जाना पड़ता है समर मॉर्निंग में उठ के, तो ये मेरा जो आनंद है उसको क्या कर लेता है, छीन लेता है, ड्राइव्स, है ना। ड्राइव्स ऑल का मतलब क्या हो गया, छीन लेता है, जॉय अवे मुझसे मेरे इस आनंद को क्या कर लेता है, छीन लेता है, अर्थात जब मैं स्कूल जाता हूँ सुबह तो मेरा वो सारा आनंद मुझसे छीन जाता है। अंडर ए क्रूअल आई आउट वॉर्न, आउट वॉर्न का मतलब थक जाना, है ना, परेशान हो जाना, थक जाना। अंडर ए क्रूअल आई, आई का मतलब होता है वैसे आंख होता है, और एक आई का मतलब होता है किसी के ऊपर नजर रखना, और वो भी कैसी क्रूअल, क्रूअल इसका मतलब दया नहीं हो, निर्दय, है ना। तो यहाँ पे किसके लिए आ रहा है बेटा ये शब्द, ये शब्द एक तरह से जो स्कूलों के अंदर कठोर अनुशासन होता है, जहाँ हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी जाती है, थोड़ा सा ही बच्चा इधर उधर कुछ किया उसने उसके ऊपर डांट पड़ती है, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, है ना। तो उसको कहा गया है, यानी स्कूलों के अंदर के जो कठोर अनुशासन है जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो उससे बच्चे क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में, द लिटिल वंस स्पेंड द डे, द छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपना दिन गुजारते हैं, है ना, इन साइंग एंड डिसमे, लंबी गहरी सांस भरते हुए, एंड डिसमे, डिसमे का मतलब क्या होता है बेटा, बेचैनी में, है ना। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जबकि उन्हें सुबह उठ के खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, ये कहना चाह रहा है बच्चा, है ना। तो बजाय उसके उनके स्कूल जो है वो क्या नहीं है, रोचक नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है ना, और उनके ऊपर जो सख्त अनुशासन है वो उन छोटे छोटे बच्चों के सारे आनंद को क्या कर लेता है, उनसे छीन लेता है। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, लेकिन गर्मियों के मौसम में स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे, यह सारे आनंद को छीन लेता है। अंडर ए क्रूअल आई आउट वॉर्न, स्कूल के कठोर अनुशासन में बच्चे थक जाते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लिटिल वंस जो हैं, वो अपना दिन बिताते हैं, स्पेंड यानी बिताना, अपना दिन बिताते हैं इन शाइंग एंड डिसमे, है ना, लंबी सांस भरते हुए कि कब छुट्टी होगी, एंड डिसमे और बेचैनी में। आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एंग्सस आर, नॉट इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, वॉर्न थ्रू विद द ड्रियरी सावर। अब वो बच्चा कह रहा है आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, है ना। अब उस स्कूल की बात बता रहा है कि वहां पर, एट टाइम्स का मतलब क्या है,
वहाँ पर ऐसे मौक़ों पर जब मुझे कहाँ गर्मियों की मौसम में कहाँ जाना पड़ता है, गर्मी स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं सिर झुकाए मुंह लटकाए बैठा रहता हूँ। ड्रूपिंग का मतलब क्या होता है, सिर झुकाए, है ना, सीटें नहीं बैठा, तो मैं सिर झुकाकर अपना मुंह लटकाकर नीचे बेचैनी से उदासी में बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंग्जस आर, और मेरे बहुत सारा जो घंटे होते हैं वो चिंता करते हुए बीतते हैं। नॉर इन माई बुक आई कैन आई टेक डिलाइट, मैं मेरी किसी भी पुस्तक में आनंद नहीं ले पाता हूँ, है ना, क्योंकि उसके मन में तो बाहर खेलने कूदने की हो रही है ना, क्योंकि वो मौसम कैसा है ना, बहुत प्यारा मौसम है। तो बेटा इसमें यही कहा गया है कि इतने जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर, है ना, स्कूल का बोझ लाद देना थोड़ा उनके साथ क्या है, बेईमानी है ना। तो नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना ही मैं अपनी पुस्तक के अंदर क्या ले सकता हूँ, इतना आनंद ले सकता हूँ। और बेटा देखो एक चीज़ ये और है कि छोटे बच्चों को, जैसे मेरा बचपन था, है ना, हमारे जो गुरुजी थे वो डंडा मार मार के हमको वो पहाड़े रटवाया करते थे। बेटा इतना डरते थे बच्चे, सच में बहुत ज़्यादा डरते थे। अब बेटा इन पहाड़ों को जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, 7वीं 8वीं में आ जाएगा, अब आप दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को डंडा मार मार के पहाड़े रटवा रहे हो उसको, है ना। अरे यार उसको 6ठी 7वीं 8वीं में आ जाने दो, उसको वो अपने आप जो है ना जोड़ जोड़ के कर लेगा, उसको टेबल को जो पहाड़े की टेबल होती है उसको जोड़ जोड़ के कर लेगा, गुणा कर जो होते हैं उनको, है ना। तो मतलब बच्चों का जो है ना जीवन उसको नीरस बन जाता है, ठीक है ना। तो नेचुरली क्या है बेटा, जो हमारी जो टीचिंग पैटर्न है उसमें अभी क्या है, कुछ कमियां हैं जिन्हें हमको क्या करना है, सुधारना है, ठीक है ना। यानी हमें बच्चे के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो ना ही मैं अपनी किसी पुस्तक में क्या ले पाता हूँ, आनंद ले पाता हूँ। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, है ना, बावर का मतलब होता है बेटा उपवन, बगीचा, है ना, जहाँ देखा होगा तुमने, माना है ना, जैसे बेल छाई रहती हैं, पेड़ हैं, है ना, उनके ऊपर बेल छाई हुई है, तो चारों तरफ कैसा होता है, शीतल वातावरण होता है ना, लता पताकाएँ होती हैं। तो वो सीखने का जो निकुंज है, जो सीखने का उपवन है, वो किसके लिए कहा है, स्कूल के लिए कहा गया है। तो नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, वॉर्न थ्रो विद द ड्रियरी सावर, है ना, ड्रियरी यानी सूखी नीरस बौछार। अब उसके ऊपर सूखी नीरस बौछार किसकी होती है ना, उसको पढ़ाए जाते हैं, उसको जो है ना ABCD सिखाई जाती हैं, उसको गिनती सिखाई जाती हैं, उसको व्याकरण सिखाई जाती है, उसको पढ़ना सिखाया जाता है, उसको गणित सिखाई जाती है। तो बेटा अगर उम्र जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, हाँ ठीक है कि पढ़ना लिखना भी चाहिए बच्चों को, लेकिन है ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनके सीखने की कैपेसिटी और बढ़ती चली जाती है, तो उनके ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल वे में उन्हें सीखने देना चाहिए हमें, है ना, कि बस स्कूल में सुबह जल्दी उठ के स्कूल गए, फिर पढ़े, फिर होमवर्क किया, है ना, और फिर वापस कहीं ट्यूशन पढ़ने चले गए, तो बस दिन की तो बैंड बज गई ना पूरे की, बेचारे की पूरा दिन ही खराब हो गया उसका, बच्चे का खराब इन द सेंस कि उसको और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं ये, है ना। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर वॉर्न थ्रू विद द ड्रियरी सावर, कि जो ये सूखी नीरस बौछार होती है पढ़ाई लिखाई की, उससे, है ना, उस लर्निंग बावर के अंदर, है ना, उस सीखने के उपवन यानी अर्थात स्कूल के अंदर जब मैं बैठा रहता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। वॉर्न थ्रू, वॉर्न यानी थक जाता हूँ, और वो जो बैठकर स्कूल के अंदर जो बैठना है वो मुझे आनंद नहीं देता है। हाउ कैन द वर्ल्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग, हाउ कैन ए चाइल्ड वेन फियर्स अनॉय, हाउ कैन ए चाइल्ड वेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। अब लेखक कह रहे हैं कि एक बच्चा, है ना, हाउ कैन द वर्ल्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, है ना, एक जो पक्षी है ना, वो उसका जन्म किसके लिए हुआ है, आनंद लेने के लिए हुआ है। सिट इन ए केज एंड सिंग, है ना, तो पक्षी को कब आनंद मिलता है, जब वो खुले आसमान की सैर करता है। अगर उसको केज में बिठा दिया जाए, है ना, और केज के अंदर वो गाए, तो क्या उसको आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो यही वो छोटा बच्चा अपनी भावना व्यक्त करना चाह रहा है कि जिस प्रकार पिंजरे में कैद करके
अगर किसी पक्षी से गीत गवाए जाएं उससे, तो क्या उसे आनंद की प्राप्ति होगी अर्थात नहीं होगी। तो वैसे ही लेखक ये जो है ना लेखक कह रहे हैं उस बच्चे के माध्यम से कि एक स्कूल के कठोर अनुशासन भरे वातावरण में है ना एक बच्चे को जबरदस्ती हम बिठा के रखते हैं तो उससे आनंद की प्राप्ति उसे नहीं होती है, ना वो सीख पाता है ना ही वो आनंद ले पाता, दोनों ही चीज़ों से वो वंचित रह जाता है। इसी प्रकार हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय है ना, किस तो इसी प्रकार कैसे एक बच्चा है ना जब वो भयभीत है चिंतित है ना अनुशासन से क्या है वो चिंतित है भयभीत है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग है ना और बेचारा वो अपनी कोमल कोमल जो पंख हैं है ना उनको नीचे करके लटका के बैठा हुआ है, यानी उस बच्चे की भी क्या है कल्पना की उड़ान की पंखें होती हैं है ना, बच्चे की भी क्या होती है कल्पना की उड़ान की पंखें होती हैं, तो उन कल्पना की जो उड़ान की पंख हैं उन पर सवार होकर है ना दुनिया की जो कल्पना भरी सैर है उसमें करने के बजाय उसको एक वहाँ पे थोप दिया गया, उसको बिठा दिया गया, तो वो बेचारा अपनी क्या कर रहा है अपनी कोमल पंखों को टेंडर विंग यानी कोमल पंखों को लटका के बैठा रहता है और भय मिश्रित चिंतित वातावरण में रहता है वो। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग और वह बच्चा अपनी जो यूथफुल स्प्रिंग है ना जो अपना ये जो उसका बचपन है बचपन रूपी जो उसका वसंत है ना उसके सारे आनंदों को वो क्या करता है फॉरगेट यानी भूल जाता है ना, तो उसके जो बचपन का जो वसंत है उस सारे आनंद से वो क्या हो जाता है वंचित हो जाता है। ओ फादर एंड मदर, अब वो अपने पापा मम्मी को संबोधित करके कह रहा है, ओ फादर एंड मदर इफ वर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड ऑफ द जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे हाउ शैल द समर राइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपियर है ना। तो देखो वो बच्चा कह रहा है हे मेरे मम्मी पापा इफ बर्ड्स आर निप्ड बर्ड्स किसको बोलते हैं कलियों को बोलते हैं बेटा, जो कली होती है ना तुमने देखा होगा फूल जो खिलता है तो पहले उससे पहले कली बनती है उसकी है ना, तो उस कली जो होती है कलियाँ है ना फूलों की जो कलियाँ होती हैं तो वो बर्ड्स हैं, अगर उन बर्ड्सों को निप्ड कर दिया जाए, निप्ड का मतलब है उनको क्या कर दिया जाए बढ़ने से रोक दिया जाए मसल दिया जाए कुचल दिया जाए है ना, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे और जो उसके ऊपर छोटे छोटे फूल उगाए हैं उनको तोड़ दिया जाए उनको भी मसल दिया जाए कुचल दिया जाए उनको उड़ा दिया जाए फूलों को भी है ना, तो एक पौधे पर से अगर उसकी कलियां जो खिली हैं उस पौधे के अंदर, तो आपको पता है बेटा जो फल बनता है वो कैसे बनता है, फल जो बनता है कोई भी पौधा है उसका जो फल बनता है तो वो जो फूल होता है पहले क्या होती कली बनती है फिर उसका फूल बनता है और फिर फूल के अंदर क्या होता है निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन होता है ना और फिर फल का निर्माण होता है, तो फल किस में से बना उस कली में से बना, कली के बाद फिर फूल में से बना वो, समझे ना बात। तो वैसे ही लेखक कहना चाह रहे हैं कि अगर कली को ही मसल दिया जाएगा है ना और जो फूल हैं उनको पूरा खिलने से पहले मैच्योर होने से पहले ही उनको क्या कर दिया जाएगा मतलब उनको तोड़ दिया जाएगा तो किस प्रकार से फल बनेगा, नहीं बनेगा फल, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हे मेरे मम्मी पापा अगर कलियों को है ना मसल दिया जाए उनके खिलने से पहले मसल दिया जाए एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे और फूलों को भी खिलने से पहले ही झड़ा दिया जाए तोड़ दिया जाए एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड और टेंडर प्लांट्स का मतलब छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको नंगा कर दिया जाए, स्ट्राइप्ड का मतलब नंगा कर दिया जाए अर्थात उनकी पत्ती भी झड़ दी जाए उनकी पत्तियों को भी क्या कर दिया जाए तोड़ दिया जाए तो ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे यही तो बसंत के दिनों में उनका आनंद होता है। बसंत के दिन में पौधे क्यों आनंदित होते हैं क्योंकि उन पौधों पे है ना क्या खिलते हैं कलियां खिलती हैं है ना फूल खिलते हैं, अगर उसी आनंद से उनको क्या कर दिया जाए पौधे को विहीन कर दिया जाए उसकी बर्ड्स उससे छीन ली जाएं फ्लावर छीन लिए जाएं उसकी पत्तियां उससे छीन लिए जाएं तो उसका तो स्प्रिंग क्या हो गया नीरस हो गया कि नहीं हो गया है ना, तो ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे है ना दुख
तो इस प्रकार हम उसे क्या देंगे, दुख देंगे। और ये जो केयर है ना, बच्चा कह रहा है कि जो स्कूल में अनुशासन के नाम पे जो केयर दी जा रही है उसको, कि भाई टीचर्स कहते हैं हम बच्चों की केयर करते हैं, तो ये उल्टा उसमें क्या करती है, बेचैनी पैदा करती है, उनमें निराशा पैदा, डिसमे, बेचैनी निराशा उनमें पैदा करती है। तो अर्थात बच्चे को उसका ओन नेचुरल वे, उससे भी उसे बढ़ने देना चाहिए। यानी बेटा देखो, शिक्षा का जो है ना उपयोगिता भी है, ऐसा नहीं है कि भाई स्कूलों की कोई उपयोगिता नहीं है, यस है ना, लेकिन जो शिक्षण है ना, जो टीचिंग है, उसको उसके अंदर इनोवेटिव वेज के द्वारा क्या किया जा सकता है ना, आनंद का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे कि बच्चे क्या कर सकें, आनंद ले सकें, है ना, डराए नहीं उनको, ठीक है ना। ज़्यादातर जो है ना, छोटे छोटे मैंने बहुत स्कूलों में देखा, तो वहाँ बेटा बच्चों को कैसे रखते हैं, डरा के रखते हैं, अनुशासन। तो वो अनुशासन बेटा प्रेम से भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई प्रेम से अनुशासन नहीं आता है ना। और प्रेम का अनुशासन जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, बजाय भय के अनुशासन के, है ना, ऐसा मेरा निजी मानना है, ठीक है। हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपियर। तो वो बच्चा कह रहा है कि हे मेरे मम्मी पापा, अगर कलियों को उनके खिलने से पहले ही मसल दिया जाएगा, फूलों को पहले उनके खिलने से पहले ही झड़ झाड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, है ना, और जो ये छोटे छोटे पौधे हैं इनकी, इनको पत्तियों से विहीन कर दिया जाएगा, है ना, तो उनका तो सारा जो बसंत के दिनों का आनंद है वो छिन जाएगा, आनंद जॉय जो है वो छिन जाएगा, है ना, और वो क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और ये जो केयर के नाम पर है ना, देखभाल के नाम पर जो उनको अनुशासन थोपा जा रहा है, उससे उनमें किसकी उत्पत्ति होगी, डिसमे, है ना, उनके अंदर बेचैनी पैदा होगी। और वो बच्चा कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय। तो ये जो गर्मियों का मौसम है, जो कि आनंद का मौसम है वहाँ पर, क्योंकि सर्दियों में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, लोग घरों में कैद रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो भी आनंद, घूमने फिरने का, मौज मस्ती करने का वो समय होता है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में वो कैसा होता है, समर का टाइम होता है ना। तो वो बच्चा यही कह रहा है, हाउ सेल द समर अराइज एंजॉय। तो ये जो हमारा गर्मियों का मौसम है, ये आनंद के रूप में कैसे उठ सकता है, अर्थात इसमें आनंद की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है, और द समर फ्रूट्स अपीयर, है ना, और जो गर्मियों के फल हैं वो हमें कैसे प्राप्त होंगे, है ना। तो यही कहना चाह रहा है बच्चा वो, कि अगर हम है ना ये जो सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे कलियों को तोड़ देंगे, कुचल देंगे, है ना, उनके फूलों को भी ब्लॉसम होने से पहले ही क्या कर देंगे, गिरा देंगे, और उन छोटे छोटे पौधों को, टेंडर को, उनको पत्तियों से विहीन कर देंगे, तो उनके ऊपर समर फ्रूट्स नहीं आ सकते। जो फ्रूट्स आने वाले हैं, जो फ्रूट्स वो बियर करेंगे पौधे, वो फ्रूट्स उनके ऊपर आएंगे ही नहीं। तो वही कहना चाह रहा है बेटा, कि बच्चे जो है ना, उनको अगर हम इस तरह के कठोर अनुशासन में, स्कूलों के कठोर अनुशासन में उनको हम पालेंगे, पोसेंगे, तो उनका जो सही जो विकास है, जो जो उनका संपूर्ण विकास है, वो नहीं हो पाएगा, है ना। अगर बेटा बौद्धिक रूप से हो सकता है वो उत्कृष्ट हो जाए, है ना, बौद्धिक रूप से उत्कृष्ट हो जाए, लेकिन वो जो है ना बहुत सी अन्य चीज़ों से वो क्या हो जाएंगे, डिप्राइव हो जाएंगे, अन्य चीज़ों से वो वंचित रह जाएंगे। तो देखो कितनी प्यारी पोएम है, इसमें कहा गया है कि जो अन्य गतिविधियां हैं स्कूल के अंदर, रोचक गतिविधियां हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को, बच्चों का जो बहुमुखी विकास है वो किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये पोएम आपको पसंद आई होगी। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।